जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही ब्यूटीफुल चैनल MLV स्टडी में। सो गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने वर्क डन का कंसेप्ट पढ़ा था, तो वो वर्क डन का कंसेप्ट ही यहाँ पर अपन आज अप्लाइड करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डी अल्म्ब्रट प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, दो लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ समझना। लेकिन इससे पहले अगर आपने डी अल्म्ब्रट प्रिंसिपल से पहले अगर आपने वर्चुअल वर्क वाला वीडियो नहीं देखा, तो वहां आपको आई बटन में दिख रहा है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो डी अल्म्ब्रट प्रिंसिपल क्या था? देखिए, डी अल्म्ब्रट प्रिंसिपल सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि वर्चुअल वर्क डन पर बेस्ड है। ये क्या है? वर्चुअल वर्क डन पर बेस्ड है। जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्चुअल वर्क डन क्या होता है कि अगर कंस्ट्रेंट फोर्स जीरो हो, तो अगर किसी पार्टिकल पर कंस्ट्रेंट फोर्स जीरो हो तो क्या होता है, उसका अप्लाइड फोर्स जीरो होता है, जिससे उसके ऊपर उसका जो अप्लाइड फोर्स जीरो होता है और जिससे उसका वर्क डन भी जीरो हो जाता है। ठीक है, देखिए, अगर अब देखिए कि यहां से अपन न्यूटन का लॉ लगाते हैं। न्यूटन का लॉ ये होता है, देखा कभी ऐसा? नहीं देखा ना। देखो देखो क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ, त्वरण का नियम। एफ इक्वल टू एम ए को क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एफ इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, इस एम को अंदर डाल दो, डी बाई डी टी एम वी। एफ इक्वल टू एम वी क्या होता है? पी इक्वल टू एम वी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये हो गया डी पी बाई डी टी। तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सो इज एक्सप्रेस टोटल इज एक्सप्रेस वर्क। ठीक है, सॉरी फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स को अपन न्यूटन के लॉ से कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो इसी को अपन ने क्या लिख लिया, पी आई डॉट। पी आई का डॉट, कभी भी आपको डॉट दिख जावे ना किसी चीज के ऊपर, समझ लेना कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन में, ये पी आई डॉट। ठीक है, तो अभी इस पी आई को इधर लेके आवे, तो एफ आई माइनस पी आई इक्वल टू जीरो, पी आई डॉट इक्वल टू जीरो। और इसको यहाँ प्लस, इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख दिया, कोई गलत बात तो नहीं है ना? नहीं है। चलो अब क्या कर दिया टोटल वर्क डन में, कि टोटल वर्क डन एफ इक्वल टू एम, वर्क क्या होता है, एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर आई। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, तो इस एफ टोटल फोर्स को यहां पुट कर दिया अपने, ये चीज आ गई। ठीक है, तो यही पूरा अपने को डी अल्म्ब्रट प्रिंसिपल में लिखना है। और लास्ट का एक्सप्रेशन ये है, यहां से आप देख सकते हो कि ये पी आई क्या दिखाता है। पी आई चूंकि माइनस डायरेक्शन है, तो ये रिएक्शन को दिखाता है, रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ये रिएक्शन फोर्स को। तो यहां तक आपको आशा करता हूं समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना और लाइक कर देना वीडियो को, जिससे मेरे को अच्छा लगे और आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो आने लगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।